खोज करनी है। धन दो प्रकार का होता है। धन एक तो वो धन है जो आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, एक वो धन है जो संसार प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। आप बैठे हैं हमारे सामने, बहुत लोग ये सोचते होंगे, आपने भी सुना होगा, देखे भी होंगे, आपके साथ ऐसा व्यवहार भी हुआ होगा, आगे भी होता रहेगा कि आप क्या लेने के लिए आते हो यहाँ, क्या मिलता है यहाँ, हमें तो आज तक कुछ मिला नहीं, हमें तो आज तक कुछ प्राप्त हुआ नहीं, तुम्हें कैसे क्या प्राप्त होगा, क्या जानता है ये, कुछ नहीं जानने वाला, हमने बड़ा नजदीक से देखा है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कुछ नहीं, केवल अपना करता है, अपना ध्यान करता है, कुछ नहीं जानता, किसी का कुछ नहीं पता लगता। लेकिन जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो उसी की तलाश में निकलता है, उसी की खोज में निकलता है, उसी दिशा में आगे बढ़ता है। जिसको जिसकी इच्छा होती है, अगर कोई प्यासा हो तो सैकड़ों दूर अगर नदी चल रही हो, बह रही हो, तो वहां पहुंच करके जल ग्रहण करता ही है। अगर प्यास न लगी हो तो सामने भी अगर नदी बह रही हो और बिल्कुल जल कितना भी मीठा क्यों न हो, उसको भी खारा लगेगा, वो नहीं समझ पाएगा कि कैसा है, क्या खेल चल रहा है। संसार दो प्रकार के धन कहा मैंने, एक वो धन है जो अंतरात्मा का है, जो कभी घटता नहीं, सबके सब लोगों को सबका सब धन प्राप्त हो जाए तब भी इतना ही बाकी रहता है और इतना ही मिलता रहता है, और अगर पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी अगर उस धन से तृप्त हो जाए, अगर पूरे के पूरे ब्रह्मांड के भी वो धन सबके सब जीव जाग जाए तो भी वो धन उतना ही रहता है। लेकिन एक वो धन है, ये धन हमें मिल रहा है लेकिन हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कोई बाधा भी नहीं है, इसमें कोई रोक भी नहीं लगा रखी है, कोई रोक भी नहीं सकता। ये धन मिल रहा है लेकिन ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, हम भाग रहे हैं उस धन के पीछे जिसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के बंधन हैं, जो न प्राप्त हो सकता है न हुआ। इन शब्दों का प्रयोग मैंने इस कारण से किया है क्योंकि ये धन का प्रयोग तभी तक कर सकते हैं जब तक ये शरीर है, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तो केवल जो धन प्राप्त हो रहा है, जो लोग आप लोग ये धन प्राप्त कर रहे हैं, केवल यही काम आएगा, यही आपको आगे तक ले जाएगा और यही आपको जगाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान की जरूरत है, सबसे ज्यादा उसके चिंतन की जरूरत है। इस संसार जो भटक रहा है, संसार जो भ्रमित कर रहा है, संसार जो हमें उस परम चेतना से दूर ले जा रहा है, इसे हमें बड़ा संभल संभल कर चलना है। क्योंकि जितने भी महल मकान पत्थर सब कुछ यही रह जाने वाला है। आप ये समझना, कुछ बच्चे खेल रहे, एक महात्मा खड़ा होकर के देख रहा, तो कुछ बच्चे जो रेत के, आपने भी खेल बनाए होंगे, आपने भी रेत के घर बनाए होंगे, ईंटों के मकान बनाए होंगे, आपने यहाँ भी देखा होगा गोवर्धन के अंदर कई कई मंजिला मकान पत्थरों के बना दिए जाते हैं, चारों तरफ से बाड़ लगा दी जाती है कि ये मेरा घर है, अगले जन्म में इस प्रकार का मिलेगा, बड़ी समृद्धि मिलेगी। तो बच्चे भी खेल रहे थे रेत के घर बना करके, तो खेलने में बड़ा आनंद आ रहा था, एक दूसरे का घर देख रहे थे। एक बचपन से ही हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, इसका छोटा घर है मैं इससे बड़ा बनाऊंगा, इसका छोटा है मैं इससे बड़ा बनाऊंगा, और बड़ा बनता चला जाता है। रेत के घर बना रहे और एक बच्चे का पैर लग गया एक घर पे। जब एक बच्चे का पैर लगा तो सबके सब बच्चे उसको लिपट गए और उसी के साथ लड़ाई करने लगे, मारामारी करने लगे, बहुत उसका बुरा हाल कर दिया। लेकिन तभी आवाज आई घर वालों की कि वापस आ जाओ, शाम हो गई।
जब वापस चले तो सबका सब सब कुछ यही इसी प्रकार से छोड़ करके वो बच्चे खेलते हुए और भाग लिए घर की ओर, दौड़ चले अपने घर की ओर। यही हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। हम इन मकानों के साथ, इन पत्थरों के साथ, संसारिक वस्तुओं के साथ अपने को बांध दिया है, हम नहीं खोल पा रहे हैं। कोई भी बंधन टूट नहीं पा रहा है, न बंधा हुआ भी मान लिया कि हमने बंद गया और हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। इतनी बुरी तरह से बिना बंधे हुए भी जकड़ दिए गए हैं, शायद बंधे हुए बिना जकड़े गए हों, क्योंकि जब ये मन से कोई बांध दिया गया हो उसे कोई नहीं खोल सकता। अगर कोई रस्से से बांध दिया गया हो तो उसका तो इलाज हो सकता है, उसका तो खुलाव हो सकता है, वो तो खोला जा सकता है, लेकिन जो मन से बांध दिया गया हो उसे संसार में कोई नहीं खोल सकता, न कोई खोल पाया है और न ही कोई खोल सकता है। तो जो जिस वस्तु की खोज में निकलता है उसे वही प्राप्त होती है, और जिसके अंदर जो मानसिक वृत्ति भर दी गई है वही खेल चलता रहता है। आप देखना छोटे छोटे जानकार, आपने देखा होगा जूते बनाने वाला मोची दूर से जूते देख करके व्यक्ति का पूरा चरित्र देख लेता है, क्या है ये, क्या करने वाला है, उधार देगा ना देगा, किस लेवल का ये आदमी है, कितने पैसे हैं इसके पास, कैसा व्यवहार है। केवल एक जूता देख लेने से वो सब कुछ देख लेता है। दर्जी का देखना आप लोग, दर्जी दूर से चलते हुए कपड़े देख करके ये पहचान लेता है इस व्यक्ति का कैसा क्या खेल चल रहा है, कैसा मन होगा, सब कुछ जान लेता है, सब कुछ भाव लेता है। जिसको जो चाहिए उसी की खोज में निकलता है। झरना बह रहा है ज्ञान का, नदी बह रही है, लेकिन हम डरते हैं गोता लगाने से, कहीं डूब न जाएं। और जब तक डरते रहेंगे कोई नहीं नहला ही नहीं सकता, वहां पहुंचा ही नहीं सकता, कैसे पहुंचाएगा कोई, किसी की ताकत नहीं है। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन बहुत बार अनुभव पर आशा की विजय हो जाती है, कारण आशा लगी रहती है इस मन के अंदर। आज ठीक नहीं हुआ कल ठीक होगा, और समय चाहिए परसों ठीक होगा, आगे ठीक होगा। एक व्यक्ति की पत्नी मर गई, बहुत ज्यादा झगड़ालू थी, हर समय लड़ाई करती रहती थी, और सब रिश्ते नाते मित्र दोस्त आ रहे आते ही हैं, वो कह रहे कि बड़ा परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा की, क्योंकि तो मित्र लोग मजाक करते हैं और जो सच बोलते हैं मजाक मजाक में सच नजर आने लगता है। एक मित्र आया, उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बढ़िया किया परमात्मा ने, तुम्हारी ये पत्नी चली गई, बड़ा कलेश करती थी, बड़ी परेशान करती थी, परमात्मा ने तुम्हारी सुन ली, अब दोबारा शादी मत कराना। लेकिन वो बड़ा आश्चर्य में हो रहा, वो कह रहा कि नहीं, शायद कर्म के अंदर ये ही लिखा हो कि इसका सुख न हो, जो दूसरी आएगी वो मुझे सुख देगी। अनुभव पड़ा करो,